एक बात हमने पहले की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी, अपने बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, उसको तैयार कर कर, उसका टिफिन बनाकर, उसका बैग तैयार कर कर, उसकी कॉपी पेन पेंसिल रबड़ सब रखकर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमारी ये बेटे को लाड़ प्यार कर कर, स्नेह कर कर, वस्त्र पहनाकर, उसको बैग टांग कर, उसके मोजे जूते उसके सब पहनाने के बाद जब उसको स्कूल भेजते हैं, तो हमारे भीतर एक ये भाव उत्पन्न होता है कि ये शीघ्र आए, ये जल्दी से जल्दी वापिस आए। दुनिया की ऐसी कोई माँ, दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बच्चे को स्कूल भेजता हो तो ये सोचकर भेजता हो कि अब ये जा रहा है, अब मत आना। दुनिया की प्रत्येक माँ, दुनिया का प्रत्येक पिता अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो ये कामना रखकर भेजता है कि अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जन करे, और ज्ञान अर्जन करने के बाद, पढ़ने के बाद वापिस हमारे घर को आए, फिर हमारे घर को वापिस आए। अब जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ये विचार करते हैं कि ये जल्दी से पढ़कर हमारे घर वापस आए, कोई माता पिता ये नहीं सोचते कि ये स्कूल जा रहा है तो अब ना आए, हर माता पिता का मन होता है कि ये स्कूल गया है तो वापस शीघ्र अतिशीघ्र लौट कर आए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े और वापस हमारे घर में आ जाए। तो जैसे माता पिता बच्चे को वापस पढ़ने के बाद अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उसी तरह मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव है जब हमें पृथ्वी पर भेजता है तो ये कहकर भेजता है कि अपनी पूरी अध्ययन करने के बाद संसार सागर में अपने परिवार बच्चे कुटुंब कबीले इन सब में रहने के बाद भी अगर तू मेरा भगवत भजन कर मेरे पास आता है तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूँ, मैं तुझे अपना बना लेता हूँ। ये उसकी सहजता, मिठास करो दिल डालो हल्का सा, उसको अपने पास बुलाने का प्रयास करता, उसको अपने करीब लाने का प्रयास करता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, तेरी सांस तेरी कृपा से तनू तनू, बखान क्या करूं मैं आंखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार कार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी एक शरीर मात्र से, एक अंश मात्र से, उसके शिवलिंग मात्र से, भगवान शंकर के शिवलिंग से भी एक छोटी सी थोड़ी सी शमशान की भस्म भी यदि उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, थोड़ी सी भस्म, मात्र थोड़ी सी भस्म अगर उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, उनके शिवलिंग का स्पर्श मात्र कर लेती है और वो भस्म भी स्पर्श मात्र करने से इतनी पवित्र हो जाती है कि वो कुबेर का भंडार भर देती है, तो जरा विचार करिएगा कि एक फूल, एक पत्ती, एक धतूरा, एक थोड़ा सा पत्ती पुष्प भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता है तो हम उस फूल पत्ती को जमीन पर नहीं फेंकते, फेंकते हैं क्या? बोलो रे झारखंड वाली जीजियों और झारखंड के जीजाओ, फेंकते हैं क्या? अगर वो फूल पत्ती भगवान शंकर पर चढ़ गई, कोई पुष्प चढ़ गया, कोई दुर्वा चढ़ गई, कोई पत्ती चढ़ गई, कोई बेलपत्र चढ़ गया, कोई साधारण पत्ता चढ़ गया, कोई पुष्प चढ़ गया, हम उसको पांव में नहीं आने देते, हम उसको फेंकते नहीं है, हम उसको रोड पर जमीन पर उसको पटकते नहीं। अब जरा विचार करिएगा, फूल पत्ती शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो वो फूल पत्ती पांव में नहीं आती, कचरे में नहीं फेंकी जाती, रोड पर नहीं फेंकी जाती, कहीं उसको पटका नहीं जाता, उसका विसर्जन किया जाता, उसको तुलसी में डाल दिया जाता, उसको किसी पौधे में डाल दिया जाता, उसको जल में डाल दिया जाता, उसको एकांत में कहीं विसर्जन कर दिया जाता। जरा विचार करिए, एक साधारण सी पत्ती, एक साधारण सा पुष्प शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है तो वो पांव में नहीं आता, वो कचरे में नहीं जाता, वो गटर में नहीं जाता, वो गंदी जगह पर नहीं जाता। तो जरा विचार करना कि हम प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं तो क्या हम नरक चले जाएंगे? हम भी तो अच्छी जगह ही जाएंगे, हम भी तो श्रेष्ठ जगह पर ही पहुंचेंगे। पर जिसको
भगवान देवाधिदेव महादेव जिस पर करुणा करना चाहते हैं, जिस पर मेरे देवाधिदेव महादेव कृपा करना चाहते हैं, जिस पर भगवान देवाधिदेव महादेव दया करना चाहते हैं, उसको खींचकर मेरे देवाधिदेव महादेव अपने पास में बुला लेते हैं। मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर, उसको खींचकर अपने पास में बुला लेते हैं। और बड़े किस्मत वाले हो आप सब, अपने अपने घर पर जाकर नजर उतरवा लेना कि माघ के महीने में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो साधारण नहीं हो। मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसके लिए आपको चुनकर रखा, इसलिए खींच कर यहां तक बुलाया। और शंभु चरने पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको शंभु मालू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव अगर पकड़ कर तुमको यहाँ तक लाए, भगवान शंकर अगर आपको यहाँ तक लेकर आए, भगवान शिव यदि आपको यहाँ तक लेकर पहुंचे हैं तो उसकी कृपा ही है, उसकी दया ही है, उसकी कृपा बिना नहीं पहुंच सकते। कई लोग इस महापुराण के पंडालों में, कई लोग बाहर ऐसे बैठे हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे होंगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे बैठे हैं इस पंडाल के इधर और उधर कि हम दिख भी नहीं रहे होंगे। पर एक निवेदन आप सभी से, टेंशन मत लेना, हम भले ना दिखें पर पांच दिन की कथा में तुम्हें महादेव जरूर दिखेगा, ये पक्का। हमारे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना तुमको कि महाराज ने दिखा या हम कथा में गए थे, पंडित जी का दर्शन नहीं हुआ, महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ, सीवर वाला गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। ना ना ना, आप और हम यहाँ पर शिव को देखने हैं, आप और हम यहाँ पर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए। झारखंड की भूमि में बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड के जंगलों में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड की भूमि में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं। बस उनको ढूंढने वाला चाहिए, जैसे झारखंड के जंगल में और झारखंड की भूमि में बहुत सारे छिपे होते हैं, उनको ढूंढने वाला होना चाहिए। उसी तरह मेरा महादेव भी इस झारखंड की पवित्र भूमि पर, मेरा कंकर शंकर विराजमान है, उसको ढूंढने वाला चाहिए। लंकापति रावण भी जिस महादेव को लेकर जा रहे थे झारखंड की पवित्र भूमि बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में, वो लंकेश रावण भी उस शिव को वजन नहीं झेल पाए और उस भूमि पर रख दिया। अब जहां लंकाधिपति रावण ने झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में शिवलिंग को रखा, उस शिवलिंग को रखने के बाद लंकाधिपति दशानंद उसको उठाने के लिए आतुर, उसको उठाने के लिए तैयार। पर वो शिवलिंग उठ नहीं पाया, एक बार उठाने का प्रयास करा, दो बार उठाने का प्रयास करा, पर वो शिवलिंग उठा नहीं। कौन कौन गए बाबा धाम? सब गए, धर लो धर लो, वापिस धर लो। प्रणाम आप सभी को, नमन। जितने लोग बाबा धाम होकर आए हैं ये समझ कर बैठना कि तुम सब शंकर जी के रिश्तेदार हो। अब तुम्हारा रिश्तेदार इतना बोल्ड है तो तुम कितने बोल्ड हो गए, जरा विचार तो करिएगा। क्योंकि ये अकड़ होती है साहब, किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना तो अकड़ में कह देता है, बात कर रहा हूं फोन पे उससे मेरी पहचान है, गृहमंत्री मेरा, मंत्री मेरा, ये मंत्री मेरा, वो मेरा मंत्री। जिसकी कलेक्टर से पहचान होती है वो कितनी रुआ दिखाता है, तुम मुझे जानते हो कलेक्टर के घर की हूं। अभी अभी तुम जरा, अभी तो पहले दिन की कथा है, चार दिन की कथा भी और होने तो दो। ये जितने दरवाजे पर लोग जो खड़े रहते हैं ना, इनके पास में रोज फोन आएंगे, तू मुझे जानता है, मैं उनके घर से हूं, जा जान दे मुझे अंदर। कितनी अकड़ रहती है, कलेक्टर से पहचाने तो कलेक्टर की अकड़ रहेगी, मिनिस्टर से पहचाने तो मिनिस्टर की अकड़ रहेगी। और सुन लो झारखंड वालों, बाबा धाम वालों, जितने बाबा धाम के दर्शन कर आए हो तुम्हें भी एक अकड़ होना चाहिए। अगर कोई भिड़े तो उससे कह देना, जानता है तू मेरी काल अधिपति महाकाल से पहचान, ये तुम्हारे अंदर अकड़ होना चाहिए। हमारा बाबा हमारे साथ है, बोलबम का नारा है, हमारा बाबा हमारे साथ है। किस भाव में जीते हो, तुम्हारी पहचान होगी। वो कहे कि मेरी पहचान उनसे, फोन लगाऊं अभी, हाल अभी बुलाऊं, अभी बात कराऊं, बस इतनी अकड़ तुम में होना चाहिए। तुम्हारा जहां तुम दुख में कहीं फंसो, जहां तुम कहीं तकलीफ में फंसो, बस उस समय पर एक ही बात कहना, अभी लोटा भर के जल चढ़ाओ, अभी चढ़ाओ, और सारी समस्या का हल एक लोटा जल, अभी अभी चढ़ाओ,
और झारखंड वालों का तो एक लोटे में काम ही नहीं चलता। यहां तो लोग सुल्तानगंज से एक लोटा पानी थोड़ी ना लाते हैं, कावड़ कितने लोटे की होती है, दो लोटा जल भर के लाते हैं। बहुत धंधा रे झारखंड, बहुत धंधा। बिहार से दो लोटा जल आता है, झारखंड में डाला जाता है सुल्तानगंज से चलकर मेरे बाबा बैद्यनाथ को दिया जाता है। सहज नहीं है मेरा शंभू, आवाज तुम्हारे भीतर भी अकड़ होना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर तुमने पांच दिन की शिवमहापुराण की कथा को, पतालेश्वर महादेव की इस पवित्र शिवमहापुराण की कथा को सुना है तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास जागृत होना चाहिए। मैंने पांच दिन की कथा सुनी है, झोली भर कर लेकर जा रही हूं और यह पक्का है एक बार मैं भी इस झारखंड की भूमि पर शिवपुराण कराऊंगी, इतना मेरा बाबा मुझे दे। ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। हम अकेले नहीं है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर मेरे साथ में, हम अकेले नहीं। शिव तत्व को जानना है। और जो भगवान शंकर के शिव तत्व को पहचान गया, जो भगवान शंकर के शिव तत्व को जान गया, वो शिव का हो गया और शिव उसके हो। बस एक स्मरण आपके भीतर रहे। आप जितनी देर कथा में बैठे हो ना, उतनी देर आप ये समझ कर बैठना कि हम किसी के नहीं है। आगे बैठने को मिला नहीं मिला, पंडाल में बैठने को मिला नहीं मिला, टेंट के नीचे जगह मिली नहीं मिली, जहां जगह मिल जाए, कोई दुकान, कोई ग्राउंड, कोई पेड़, कोई जहां तुमको रोड पर जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां बैठकर यह मानकर सुनना कि मुझे तो केवल शिव महापुराण की कथा सुनना है। और यह मेरा विश्वास कहता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नदी बारे बसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो लगा लो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। कहीं पर भी बैठ कर जहां तुम्हारा मन पड़ जाए, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारे स्थान युक्त हो जाए, जहां तुम पहुंच जाओ वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, जहां जगह मिल जाए वहां सुनो और यह विश्वास के साथ सुनो कि मेरा बाबा मुझे देगा। कहीं पर भी जैसे सूर्य की रोशनी सब जगह जाती है, सूर्य की रोशनी हर जगह पर जाती है, एक लोक ऐसा है वो है पाताल लोक। सुतल लोक में भी सूर्य की रोशनी जाती है, तलातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, रसातल में भी सूर्य की रोशनी जाती है, पर केवल एक लोक ऐसा है पाताल लोक जिसमें सूर्य की किरण नहीं जाती, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं जाती। अब जरा ध्यान देना, एक लोक ऐसा है जिसमें सूर्य की किरण नहीं जा रही है, तो पूछा गया, विचार किया गया, फिर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता होगा, उजाला कैसे होता होगा, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता होगा। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है, बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं, पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता, यहां इतना प्रकाश कैसे होता है। तो शास्त्र कहता है, वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला
जितने पताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वासुकी नाग को माना गया, पताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वासुकी नाग को माना गया, पताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती पर पताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा करती है, वेदराज स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से गले में, वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो पर अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी चढ़ाते हो, रख लो, वापिस रख लो, धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा, चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ और बिना ढोंग, बिना प्रपंच, बिना अंधविश्वास के शिव की आराधना करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाना ढोंग नहीं है, शिव जी की आराधना करना, शंकर के मंदिर में सेवा करना, यह अंधविश्वास या ढोंग प्रपंच नहीं है, शंकर की आराधना करना, शिव को अपना बनाना और अपन शिव के हो जाना, ये एक हमारे भीतर की अविरल भक्ति है, हमारे भीतर का एक विश्वास है। आज दुनिया के लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, धन इतना हो गया, इतना हो गया, पर जरा विचार करिए कि वो दुनिया के लोग विचार करें कि संपदा बढ़ गई तो क्या सुख आ गया? ये लगता है हम, यहां जितनी माताएं बैठी ना, इनको लगता है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, जब बहू आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। यहां इतनी सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी, इनसे पूछो इनकी बहू आ गई तो कितनी सुखी। कितनी सुखी यहां जितनी बैठी है, पूछो इनसे। पहले कहती थी बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरी बहू आएगी फिर तो मुझे गरम गरम रोटी देगी। अब गरम गरम रोटी दे रही कि डंडा दे रही है वो जाने। अब अपने को तो मालूम भी नहीं, हमारी तो अभी आई भी नहीं, जब बहू आएगी तब देखा जाएगा। पर अगर जो सोच कर बैठे कि नहीं साहब मैं बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मुझे गरम रोटी देगी, फिर कोई कहे बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू कहीं छोरा छोरी हो जाए, मेरी बहू की गोद भरा जाए और उसके घर में बच्चा हो जाए, ऐसी कृपा करना मैं दादी बन जाऊं। और एक नियम है दादी के बाद में पर दादी का मतलब होता है पर दादी बन जाऊं, और पर दादी बन जाऊं पर मेरा पोता मुझे सोने की जम के बोले जरा सोने की सीढ़ी पर चढ़ा। अब विचार करो कितनी आस लगाकर बैठी है, मुंडा में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ थर थर कांप रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, और क्या के सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी और घर की चार सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही। कथा में भी जाए तो दो चार उसका हाथ पकड़ के ले जाए, चढ़ नहीं पा रही और विचार कर बैठी है सोने की सीढ़ी पर चढ़ूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सारी आस लगाना, ये सारा सोचना कि मुझे पोता आएगा सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, पर पोता आएगा सोने की सीढ़ी पर चढ़ाएगा, मेरे बच्चे का ब्याह हो जाएगा, बहू गरम गरम भोजन देगी, मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरा चार मंजिल का मकान बन जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगी, मेरे पास में इतना धन आ जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगी, ना वो मेरी झारखंड की जीजियों जमशेदपुर वालियों, तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो। और सुनो मेरे जीजाओं, वो जमशेदपुर वालों, तुम जैसे हो ना अच्छे हो, कम से कम दो रोटी पेट भरकर खा रहे हो और चकाचक नींद लेकर सो रहे हो, तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में सुखी नहीं। जो धनपति हैं, जो करोड़पति हैं, जो सत्तापति हैं, जो वैभवपति हैं, जो धन अधिक संख्या में रखते हैं, जो पैसा ढेला, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ सब दूर का,
थोड़ा धन सत्ता जो अपने पास में रखते हैं, वैभव अपने पास रखते हैं, बहुत सारा धन कमा कर बैठ जाएं, संपदा कमा कर बैठ जाएं, वैभव कमा कर बैठ जाएं और सोचें कि हमारे पास में बहुत सारा धन आ गया, हम सुखी हो गए। मेरी जीजियों, दो रोटी भी खाना पड़ता है तो पहले इंजेक्शन लेना पड़ता है, सोना है तो दो गोली खाना पड़ता। कम से कम आप सुखी हो ना, आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है और ना दो गोली खाकर सोना पड़ रहा है, एक लोटा जल चढ़ाते हो और रात भर तक हमारी ताजगी हमारे जीवन में बनी रहती है, ये सुख है। एक पत्र आया है, हम ज्यादा पत्र तो अभी पढ़े नहीं है, पर पत्र अच्छा। गुरु जी, मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है, मैं जमशेदपुर के बारीडीह। तुम लोग समझ गए ना, बस बाकी के कोई समझता नहीं, समझे तुम समझ जाना, ठीक है। तो मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है, मैं जमशेदपुर की बारीडीह निवासी हूँ। गुरु जी कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। बेटा आया है साथ में, यही है, लिया इसको लिया। मेरा नाम पिंकी अमरजीत सिंह है, मैं जमशेदपुर की बारीडीह निवासी हूँ। गुरु जी, मेरा बेटा 7 साल का है। मेरे बेटे को कई सालों से पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए थे और पूरा शरीर उसका सफ़ेद हो गया था। जब सफ़ेद दाग पूरे शरीर पर हो गए, हम कई सालों से डॉक्टरों का इलाज करवा रहे थे पर कोई आराम नहीं लग पाया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको हमने नहीं दिखाया हमारे बच्चे को, क्योंकि 7 साल का तो है ही गुरु जी, और अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और इतने छोटे से बच्चे का पूरा शरीर सफ़ेद हो जाना, पूरे शरीर पर सफ़ेद बीमारी हो जाना, चर्म रोग पूरा सफ़ेद हो जाना, हम बड़े तकलीफ में आ गए। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर आराम नहीं लग पाया। 1 साल 2 साल 3 साल इलाज करवाते गए पर बीमारी फैलती गई। उस बीमारी के अंतर्गत उसकी चमड़ी सफ़ेद होती चली गई गुरुदेव। तब हमारी माता श्री ने कथा सुनी आपकी टीवी पर, और जब टीवी पर कथा सुनी तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने टीवी पर कथा सुनी है और वो सियोर वाला महाराज कहता है, उसने शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाकर उस भस्म का प्रयोग करने का बताया। साथ में उन्होंने कहा कि जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़े को दूध पिलाते समय गाय के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और उस फेन को उस बच्चे के शरीर पर पूरा लगाओ जिसके शरीर में चमड़ी सफेद पड़ी हो। गुरुदेव, हमने भस्म का प्रयोग और उस दूध का प्रयोग, फेन का प्रयोग करा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि आज मेरा बेटे की पूरा शरीर वापिस पूरा की पूरा ठीक हो गया और उसके शरीर में जो सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था, मेरा बेटा अब असली उसका जो शरीर जैसी चमड़ी का था वैसी की वैसी उसकी चमड़ी हो गई, वैसा की वैसी उसका शरीर हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी वाले, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, यही वाला के कर दिया माला काशी वाले। बाबा, अब इसका पूरा शरीर अपनी असली चमड़ी में आ गया और इसका पूरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शंभु, शिव तत्व, शंभु उगड़ी। एक पत्र और बड़ा पंगा, ज्योति कुमारी रामगढ़, पत्रातु, क्या लिखा है, पत्रा तू, ठीक है, तुम समझ गए सब लोग। कहीं बैठी हैं ज्योति कुमारी, कहाँ है, हाथ लाओ, बच्चे को लाइए साथ में, बच्चे लाइए, लिया उसको लिया। मैं ज्योति कुमारी रामगढ़ पत्रा तू से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। हमने बच्चे की आस छोड़ दी थी, कई डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरे एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने पहली बार जिंदगी में शंकर जी के मंदिर में पांव रखा और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। समय नहीं मिलता था, हम नहीं जा पाते थे गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का व्रत करा पशुपतिनाथ का,
बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान का सुख नहीं है, मैंने एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, छह साल, सात साल ऐसे इंतजार करते करते कई साल निकाल दिए बाबा, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, गुरुदेव शिव शिव है, शंभु शंभु है। एक व्रत जब पशुपतिनाथ का करा तब मेरा गर्भ नहीं ठहरा, मन टूट गया कि मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने फिर वापिस दूसरा व्रत किया और दूसरा व्रत कर शिव जी को जल चढ़ाना, आचमन करना, बेलपत्री लाना, खाना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा की हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहां पर नमन करने के लिए आया, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बाबा मैं बच्चे को डोबो जमशेदपुर, डोबो डोबो ये स्थान है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मैं डोबो जमशेदपुर में उसको लेकर आई हूं, ले आ बेटा। चलता कोई डर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे पारे फसल, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव कथा कहता है अब दिल से सुनो, अब जितने दिल से सुनोगे और यह हमारा विश्वास करता है, भरोसा करता है, ए मेरी झारखंड की जीजियों, तुम जो झोली लेकर आई हो ना वो तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरोसा करता है, विश्वास है। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से सुनोगे, वो दिल से देता। शिव कह रहे हैं पताल लोक में सूर्य के किरण का प्रकाश नहीं होता, पर पताल लोक में अगर सर्प के मस्तक पर जो मणियां लगी होती हैं, सर्प के मस्तक पर जो मणि लगी होती है उस मणि का प्रकाश, और पताल लोक के राजा, पताल लोक के जो स्वामी हैं वो वासुकी है, और शिव उस वासुकी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जल चढ़ाने वाले के जीवन में अंधेरा ना रहे। अच्छा अब एक बात बताओ, बहुत समझिएगा जरा, जो देख रहे हैं एलईडी पर या टीवी पर या मोबाइल पर या कथा के पंडाल में, बहुत ध्यान देना है, तुम्हारे आसपास वाले कितना भी बोले, चालें उठें जाएं आए, आपको उन पर ध्यान नहीं देना। पांच दिन की तो कथा ही मिली है केवल, झारखंड में तो सात दिन की कथा होना थी, इतने शिव भक्तों का आनंद है, पर ये पांच दिन भी मिले हैं तो कोई कम नहीं है। इसमें इतनी झोली भर लो कि तुम्हारे जीवन में कोई खाली ना रहे, कभी कमी ना रहे, इतना आनंद। अब ये शिवलिंग है, समझिएगा ये जलाधारी है, ठीक है, समझना जरा, ये शिवलिंग, ये जलाधारी और ये धारी। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पर सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है, शंकर जी बाघंबर पहने हैं शिवलिंग में वो बाघंबर का अंश है, शिवलिंग गंगा धारण करें हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करें हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो, अगर है सर्प कोई बात नहीं रखे रहने दो, सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ, घर में मेरे शिवलिंग है उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, वासुकी नाग रख देती हूँ, अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह
या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पर एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना, 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया हमने, चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। पांचवा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। ये पतालेश्वर है। 5 5 स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर उसको पा लेते हैं तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख करते हैं। बोल पतालेश्वर महादेव की, भगवान शिव की भक्ति का विधान। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, 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 धीमा बजाओ।
धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी बुलाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी बुलाए, दीवा बजाओ भोलनाथ डमरू दीवा बजाओ, दीवा बजाओ भोलनाथ डमरू दीवा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू के धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी बुलाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी बुलाए, धीमा बजाओ बोलना डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बोलना डमरू धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ बोले धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू धीमा बजाओ। राधे धुन सुन के काना जी आए, डमरू की धुन सुन के काना जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के काना जी आए, डमरू की धुन सुन के काना जी आए, ओ काना जी आए सके राधा जी को लाए, काना जी आए सके राधा जी को लाए, ओ काना जी आए सके राधा जी को लाए, काना जी आए सके राधा जी को लाए, धीमा बजाओ भोलना डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलना डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलना डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलना डमरू धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 विष्णु जी आए संग लक्ष्मी बनाए, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलनाथ डमरू, धीमा बजाओ महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, बाबा देवदीन महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करिए। कार्यकर्ता खड़े हों तो वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, कार्यकर्ता खड़े हों तो वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, भगवान देवदीन महादेव से मन की बात करिए। जिनको आता है साथ में, जिनको आता है वो साथ में उच्च स्वर में बोलेंगे, आपकी आवाज, आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचे उस भाव से आनंद से आप लोग प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्ते, शिवाय नमस्ते, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पतालेश्वर, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पर जल चढ़ाने वाले को शिव के गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी उनकी जिंदगी में प्रकाश भर देते। यहां तक हम कहेंगे अगर जीवन में बहुत 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 तकलीफें चल रही हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत दुख चल रहा हो, तो आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो जल 33 कोटि देवताओं में जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा। आज एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा, और इस बात को प्रत्येक कथा में याद रखना,
शिवजी पे चढ़ा जल, हमारा बदले का कल ये निश्चित है, वो कल बदल कर ही। जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आस्था चैनल और इस पंडाल में भी कथा सुन रहे हैं, वो इस बात को अपने ध्यान में रखें। शिवजी पे चढ़ा जल हमारा बदले का निश्चित है भाई, थोड़ा समय लग सकता है, और ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, अगर फाइल ज्यादा मोटी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर ये निश्चित है कि हमारा कल बदलेगा। हम भगवान की विरल भक्ति में लगेंगे तो हम निश्चित है बदलाव। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाता है, और वो धन मंदिर के अंदर रखकर शरीर में ताप होता है, कष्ट होता है, शरीर में तपन होने लगती है, और वो भगवान की कथा सुन रहा होता है। उसको नहीं मालूम कि शिवपुराण का महत्व क्या होता है। जिस दिन संसार का व्यक्ति शंकर भगवान की कथा को समझ गया, उसकी जिंदगी वैसे ही सवर जाता है। एक एक पत्र आया है, देखो। मैं विनीता बख्शी गम्हरिया, मेरा नाम विनीता बख्शी है, मैं गम्हरिया है कि रामहरिया है? है गम्हरिया, ठीक है, धन्यवाद। मैं विनीता बख्शी गम्हरिया सरायकेला खरसावा जमशेदपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विनीता बख्शी गम्हरिया सरायकेला खरसावा जमशेदपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो, अगर बाहर की ओर बैठी हो तो कैमरे वालों को अवश्य सूचना दे तो वो भी देख सके। अच्छा, इस पंडाल में एक बार हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, नजर आ गए, ठीक है, ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ में? लिया उस बच्चे को, लिया गुरुदेव। मेरा लड़का जो अभी 1.5 साल का है, 8 महीने तक ये बच्चा ना पांव हिलाता, ना हाथ हिलाता, ना गर्दन हिलाता था। डॉक्टर को दिखाया तो जांच कराने पर पता चला, मुंबई में इसकी रिपोर्ट गई और उसमें इसको एक बीमारी बता दी गई, जिस बीमारी का नाम था जेनेटिक। जेनेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत गुरुदेव इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बच्चा ना हाथ, ना पांव, ना गर्दन उठा सकता है, ना बैठ सकता है, एक जगह पर पड़ा रह सकता है। हम बड़े दुखी हो गए, बड़ा तकलीफ हुई गुरुदेव की, बच्चा दिया भगवान ने और भगवान ने दिया तो शरीर पर ये कौन सी बीमारी लगा दी। बच्चा केवल एक ही जगह पर बैठा रहता, लेटा रहता, भूख का भी इसको पता नहीं चलता, प्यास का भी पता नहीं चलता, पड़ा रहता। रिपोर्ट पटना में भी एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही बताया, बॉम्बे दिखाया उन्होंने यही बताया। गुरुजी मेरे माँ पापा, मेरे सास ससुर 3 साल से आपकी कथा सुन रहा है। मेरी सास ने मुझे पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और कहा कि कोई को भी सीहोर भेजो और वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। हमने हमारे घर के सदस्य को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेजा और सीहोर भेजकर रुद्राक्ष मंगवाया। गुरुदेव उस रुद्राक्ष को हम तांबे के कलश में गला देते, शिवजी को जल चढ़ा देते और बच्चे को 2 बूंद मुंह में डाल देते, उसके शरीर पर लगा देते। एक ही जगह पर पड़े रहना, गर्दन नहीं हिलाना, शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना, भूख प्यास बताना नहीं, कुछ अंदाजा लगना नहीं, करें तो करें क्या। 8 महीने तो निकल गए। फिर हमारी सास ससुर ने कहा कि तुम शंकर का भजन करो। रुद्राक्ष मंगवाया गया, सीहोर भेजा गया। हमारे पास पहले के रुद्राक्ष थे गुरुदेव, हमने उस पे भी कर देखा पर वो फल नहीं मिला जो हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए, और रुद्राक्ष का फल हमें प्राप्त हुआ। गुरुदेव शरीर पर जल लगा देते, पानी की बूंद दो उसके मुंह में डाल देते, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और जैसे ही व्रत करना प्रारंभ करा और बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, उसका हाथ लगवाकर शिवजी पर जल चढ़वा देते, आज मेरा बेटा अपने आप से खड़ा भी होता है, अपने आप से खिड़की पकड़कर चलता भी है, और आज मेरा बेटा पूरा संभल गया। अब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि यह बीमारी तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये बीमारी हट कैसे गई। मैं मेरे बच्चे को लेकर आई हूँ गुरुदेव, एक बार इस शिव पुराण को उसका स्पर्श करा दीजिए और एक बेलपत्र उसको दीजिए। मेरे बाबा से बस यही विनती है, बाबा ने मेरे बच्चे को ठीक करा है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है शंभु ओघड़ी, शंभु त्रिकाल कैलाशी अविनाशी, उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप। प्रेशर खोलो, प्रेशर, प्रेशर सब दूर का खोलिए, अंदर और बाहर सभी जगह का प्रेशर खोलो। उसका किया गया भजन, उसका किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाता। अब जितना जितना भजन करोगे उसका बल मिलता है।
शिवजी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। जम जम के बोलो जरा, शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलेगा। निश्चित है वो बदलेगा, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका भगवत भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप हमारी जिंदगी में जरूर बदला। देवराज को नहीं मालूम था कि देवराज के स्मरण में नहीं था कि मैं जहाँ बैठा हूँ और पुराण कथा चल रही है, शंकर भगवान की कथा चल रही है और देवराज के कानों में वो कथा पहुंच गई। प्रेशर बढ़ा देता हूँ, प्रेशर बढ़ा, शिवजी की कथा उसके कानों में पहुंच रही है। उसको अंदाजा नहीं था, आपको भी अंदाजा नहीं है। ये जितने लोग यहां बैठे हैं ना, या जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि पतालेश्वर 5 दिन की ये शिव पुराण आपको क्या फल देगा। और ये विश्वास के साथ कहते हैं, प्रणाम करो कि और अच्छा हो, जल्दी जल्दी तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तुम मेनू लगी परीति बाबा तू विश्वास जगाइए, भरोसा जगाइए। जितना विश्वास, जितना भरोसा जागेगा उतना सुख का अनुभव होगा, उतना सुख का अनुभव, उतना आनंद का अनुभव होगा। देवराज को नहीं मालूम कि शिवपुराण की कथा क्या होती है, वह तो बैठ गया, शरीर में ताप था, उसके शरीर में कष्ट हो रहा था, बेटा कथा सुनी, हर हर महादेव लोग चिल्ला रहे थे, इसको कष्ट था तो इसको अच्छा नहीं लग रहा था, उठ गए, बाहर गया, बेलपत्री के वृक्ष की छाओं में बैठ गए। और बेलपत्री की वृक्ष की छाओं में जब बैठा, कब काल आ जाता है, कब प्राण छूटने का समय आ जाता है, किसी को नहीं मालूम पड़ता, कब प्राण छूटेंगे ये किसी को नहीं मालूम। आप जब शिवजी को जल चढ़ाते हो ना, तो आपके मुख पर एक मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुराकर मेरे सामने आ रही है, जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं, वो प्रसन्नता देवाधिदेव महादेव आपके चेहरे पर देता। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं छली हूं, मैं बेईमान हूं, मैं प्रपंची हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जी हूं। अब अपने अपने बोलने से क्या होगा, उसको सम्मान माना, उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है, उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं चली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये बोलोगे वो समझे, वो सब जानता, वो सब समझता, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा,
कभी कभी भगवान अच्छी जगह जन्म दे देता है, उसके बाद भी व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं कर पाता। आपकी नौकरी अच्छी जगह पर है, आपको भगवान ने सुंदर बनाकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा शरीर देकर भेजा, आपको भगवान ने पूरा ज्ञान देकर भेजा, उसके बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, तो आपका जीवन व्यर्थ बेकार। जिस कुत्ते को तुम पालते हो, जिस कुत्ते को तुमने रोटी खिलाई, जिस कुत्ते को तुमने साबुन से नहलाया, जिस कुत्ते को तुम बाजार से पैसा खर्च कर ना जाने कौन कौन सा पाउडर लाकर गोल गोल कर उसको खिलाओ, बीमार हो जाए तो कुत्ते को डॉक्टर को दिखा, और वही कुत्ता जो तुम्हारे साथ में 5 साल 6 साल 4 साल से रह रहा है, और वही कुत्ता तुम्हें काट खाए, कैसा लगेगा जरा बोलो तो जम के। तुमने कुत्ते पर पैसा खर्च करा, तुमने कुत्ते को नहलाया, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई, तुमने कुत्ते को दूध पिलाया, तुमने कुत्ते को दवाई खिलाई, तुमने कुत्ते को संभाल कर रखा, अपने बिस्तर पर रखा, जमीन पर रखा, आसन लगाया, कपड़े पहनाए, खूब अच्छे से उसको संभाल संभाल के रखा, वो कुत्ता तुम्हें काट खाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, मुझे बस इतना सा पूछना, अच्छा लगेगा जम के तो बोलो जरा। डॉक्टर भी कहेगा तुम्हारा ही कुत्ता था और तुमको ही काट गया, तो डॉक्टर क्या सलाह देगा, अरे भाई कुत्ते को कितना भी नहलाओ, कितना भी खिलाओ, कितनी भी दवाई कराओ, पर कुत्ते को चेन से बांधकर रखो, कुत्ते को साकल से बांधकर जम के बोलो जरा रखो, कुत्ते को साकल से बांधकर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं काटेगा। उसी तरह जैसे कुत्ते को नहलाया खिलाया दूध पिलाया सब दवाई गोली सब कराई, वो कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं लगता, उसी तरह तुम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठो, खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, खूब उन्नति करो, खूब प्रमोशन हो, तुम बड़े बड़े सिंहासन पर बैठो, बड़े बड़े औहदे पर बैठो, खूब कमाओ, जितना मन पड़े उतना तुम धन कमाओ, पर याद रखना तुम्हारे कमाए धन से अगर तुम मदिरा में जा रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम जुआ खेल रहे हो, तुम्हारे कमाए धन से तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये उसी की तरह है जैसे हमारा कुत्ता ही हमें काट गया, हमारा कमाया धन ही हमें बिगाड़ दे तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है। हमारा पाला हुआ कुत्ता हमें काटे तो हमारा जीवन बेकार, और हमारा कमाया हुआ धन यदि हमारे को बिगाड़ दे, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मदिरा में लगा रहा है, हमारा कमाया धन हमारे बेटे को मांसाहार में मदिरा में वेश्यावृत्ति में जुए में गलत जगह लगा रहा है, हमारा बेटा गाड़ी लेके भुड़ भुड़ कर दौड़ रहा है, आखिरी में एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तब तुम्हें दुख हुआ कि मैंने इतना धन कमाया था केवल बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए प्रोग्रेस करने के लिए और मेरा बेटा आज हॉस्पिटल में पड़ा, तो वो धन किस काम। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारा कमाया धन तुम्हें बिगाड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कुत्ते को चैन से बांध कर रखो और धन को तिजोरी में बंद कर रखो, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बिगाड़ ना दे, ये धन हमें बर्बादी की ओर ना ले जाए, ये धन हमें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए। हमारा कमाया धन हमारे बच्चों के काम आए मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारी पत्नी के काम आए मना नहीं, हमारा कमाया धन हमारे माता पिता परिवार कुटुंब के काम आए मना नहीं, हमारा कमाया धन हम घर बनाए मकान बनाए जमीन बनाए जायदाद बनाए बिल्कुल बनाओ, और तुम्हारा कमाया धन अगर पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम गलत विचार रख रहे हो, पैसा बढ़ रहा है और तुम्हारी कदम अगर मायखाने में जा रहा है, मदिरा की दुकान पर जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, जुए में जा रहा है, गलत जगह पर जा रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काट रहा है। इसलिए याद रखो कुत्ते को भी साकल से बांध कर रखो, पैसे को भी तिजोरी में बंद रखो, ये पैसा अगर बच्चों को दिखेगा तो ये फिर वो उनको काटने का प्रयास करेगा। बच्चे बिगड़ते कहां हैं, बच्चे गलत विचारों में कब जाते हैं, जब उनको लगता है पापा के पास बहुत है, पापा एप्पल का मोबाइल चाहिए पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये कपड़े चाहिए पापा ने दिला दिया, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए पापा ने दिला दी, पापा मुझे ऐसा चाहिए, धीरे 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 वो धन जो तुमने कमाया वो तुम्हें काटने लगा, वो धन तुम्हें खींचने लगा, वो श्रेष्ठ नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं आएगी, उसमें आनंद का विषय प्रकट नहीं होगा। शंभो शरण पड़ी मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी शरण शंभो शरण पड़ी मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी हमारे शरीर से अगर अच्छा हो, हमारे मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर से श्रेष्ठ हो, तो समझना कि तुम श्रेष्ठ हो। एक माने पत्र लिखा, मेरा नाम सुषमा कुमारी, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुदेव। मैं एक लोटा जल और रुद्राक्ष का महत्व बताना चाहती हूँ।
गुरुजी मेरे चेस्ट में कई सालों से 10 ml की गठान हो गई थी। पति ने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मुझे इलाज ना करवाया बाबा, पर डॉक्टरों के हिसाब से मेरा ऑपरेशन होना है और वो चेस्ट की जो गठान है वो साधारण गठान नहीं है, उसको जांच के लिए बॉम्बे भेजना। बड़ा दुख है गुरुदेव, इतना पैसा लगना, इतना धन लगना, संग में ऑपरेशन और चेस्ट में जो गठान है वो गठान भेजना, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो साधारण गठान नहीं है। करें तो करें। तब मेरी दादी ने सुबह मेरे को रुद्राक्ष का पानी पीने का बोला। मैंने उनसे कहा कि रुद्राक्ष नहीं मेरे पास, हमने हमारे परिचित से एक रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर भेजकर, और वो रुद्राक्ष का जल उसको पीना, शिवजी पे चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। क्या बाबा शिव शिव है? हम नहीं जानते थे, हम कभी भरोसा नहीं करते थे कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का भी कोई फल होता है, और आपकी कथा ने राह दी है। केवल मेरे जैसी एक महिला नहीं, ना जाने कितनी महिलाओं को फल प्रदान करा गुरुदेव। आज मेरे बाबा से मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ, बाबा जब हम ऑपरेशन के लिए ले जाए गए और ऑपरेशन के पहले मेरी जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा ऑपरेशन तुमने पहले करवा लिया क्या, तुम्हारी गठान अब चेस्ट में नहीं है और वो गठान पूरी तरह से घुल चुकी है। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दो बहन, ऐसे बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति शंभू का एक नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का एक उच्चारण, भगवान शिव के नाम का एक उच्चारण। आप जब यहां पंडाल में बैठकर बोलते हो ना, श्री शिवाय।